नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बर्फबारी के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशें तेज, सड़कें बहाल करने में जुटे पीडब्ल्यूडी और बीआरओ। मुख्यमंत्री ने चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेज को सौंपी करोड़ों की सौगातें, वर्चुअली किया सीटी स्कैन और एक्सरे मशीन का लोकार्पण। अवैध खनन रोकने के लिए तय होगी अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही, हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए आदेश। अध्यापक पात्रता परीक्षा में पास हुए 6584 अभ्यर्थी, 38704 ने दी थी परीक्षा। शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 8 विषयों का परिणाम। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर उबला हिमाचल, पंजाब सरकार के खिलाफ जगह जगह हुए विरोध प्रदर्शन। धर्मपुर में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, उर्दू और अरबी में लिखे शब्दों ने क्षेत्र में फैला दी दहशत। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर पुलिस ने पिकअप चालक से पकड़ी 611 ग्राम चरस, ककरोथा का रहने वाला है तस्कर। सांसद खेल महाकुंभ में खेला, ढलियारा में मंत्री की तस्वीर वाली टी शर्ट को खिलाड़ियों ने लगाई आग। एचपीयू ने चौथी बार जीता नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला कबड्डी टूर्नामेंट, फाइनल में कुरुक्षेत्र को 3 अंकों से पटका। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बारिश बर्फबारी के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है, जनजातीय क्षेत्र में सफेद आफत से मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है और कई संपर्क मार्ग यातायात के लिए बाधित हो गए हैं। आइए डालते हैं ताज़ा हालात पर एक नज़र। किन्नौर में बर्फबारी के चलते जिला की 75% संपर्क सड़कें ठप हैं। सड़कों पर फिसलन बढ़ जाने से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। जिला के छितकुल, आसरंग, नेसंग, हांगू, चुलिंग आदि क्षेत्रों में 1.5 से 3 फुट बर्फबारी हो चुकी है। दूसरी तरफ जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। बर्फबारी से कुल्लू के कई क्षेत्रों में बस रूट प्रभावित हुए हैं, जबकि बिजली का संकट भी लोगों को सताने लगा है। हालांकि पर्यटन नगरी मनाली में बर्फबारी से पर्यटकों की आमद बढ़ गई है, लेकिन स्थानीय लोगों की दिक्कतों में भी इजाफा हो गया है। जलोड़ी दर्रा में हिमपात से नेशनल हाईवे 305 ठप पड़ा है। उधर मौसम खुलने से बीआरओ ने सड़क से बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। बीआरओ की टीम मनाली लेह मार्ग पर दारचा से केलांग सहित अटल टनल होते हुए बर्फ हटाने में जुटी है। इसके अतिरिक्त सिरमौर के डीयूडी खड़ा में बर्फ जमने से हरिपुर धार कुपवी मार्ग पर करीब 17 घंटे तक यातायात ठप रहा। बर्फ पर स्किड होने के कारण खड़ा के समीप 3 निजी बसें लगभग 5 घंटे तक फंसी रही। खराब मौसम के बावजूद दर्जनों यात्रियों को बर्फ के बीच पैदल चलकर हरिपुर धार आना पड़ा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेज को करोड़ों की सौगातें दी हैं। आइए जानते हैं क्या मिला दोनों कॉलेजों को। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से मेडिकल कॉलेज चंबा में 5 करोड़ की लागत से स्थापित सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने चंबा और चुवाड़ी में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया। इस दौरान स्थानीय विधायक ने बताया कि मेडिकल कॉलेज चंबा में MRI मशीन भी स्थापित की जा रही है। इनकी स्थापना के लिए NHPC की ओर से 15 करोड़ जबकि प्रदेश सरकार ने 5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं। इसके अतिरिक्त CM ने जिला सिरमौर को लगभग 7 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात दी है। CM ने वर्चुअली माध्यम से डॉक्टर YS परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में आधुनिक सुविधाओं से लेस सिटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे मशीन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि आज का दिन जिला सिरमौर के लिए एक यादगार दिवस है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में समूचा हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है। हिमाचल में अवैध खनन को रोकने के लिए अब संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होगी। गुरुवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अवैध खनन से जुड़े मामले में बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि बिना ट्रांजिट पास के किसी को भी रेत बजरी जैसे लघु खनिज ले जाने की अनुमति ना दी जाए। कोर्ट ने कहा कि अधिकृत अधिकारियों द्वारा खनिजों के यातायात के मामले में नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। ठेकेदारों के बिलों को क्लियर करने से पूर्व राज्य लोक निर्माण विभाग के परामर्श से राज्य उद्योग विभाग जांच करे कि आपूर्ति किए गए खनिज का स्रोत कहाँ है। जांच के लिए एक सप्ताह के भीतर प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग और प्रधान सचिव उद्योग विभाग अपने दो अधिकारियों को नामित करें। हिमाचल प्रदेश में बीएड कर चुके अभ्यर्थी अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये खुलासा हुआ है गुरुवार को जारी टेट के रिजल्ट में। आइए जानते हैं क्या है हकीकत। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को टेट के 8 विषयों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा के लिए प्रदेश भर के 44,334 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन 38,704 ने ही परीक्षा दी। चौंकाने वाली बात ये है कि इनमें से सिर्फ 6,584 अभ्यर्थी ही परीक्षा पास कर पाए हैं। टीजीटी आर्ट्स में 13,862 में से 972 अभ्यर्थी ही पास हो पाए हैं, यानी कि रिजल्ट 7% रहा है। इसी तरह शास्त्री टेट में 653, टीजीटी नॉन मेडिकल में 1,414 और भाषा अध्यापक में 683 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है। इसके अलावा टीजीटी मेडिकल में 1,158, पंजाबी विषय की टेट परीक्षा में 12 और उर्दू विषय में 4 परीक्षार्थी पास हुए हैं। पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर देश भर में उबाल है, आक्रोश की ये ज्वाला गुरुवार को हिमाचल में भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक पर भाजपा युवा मोर्चा उग्र हो गया है। गुरुवार को भाजपा युवा मोर्चा जिला चंबा ने होली में पंजाब के सीएम का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। भाजयुमो जिला अध्यक्ष अनिल कुमार की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि बीते रोज पंजाब सरकार ने घिनौनी हरकत कर पीएम के काफिले को रोका और उनकी सुरक्षा में एक बड़ी सेंध लगाई गई। पूरे प्रकरण का युवा मोर्चा कड़े शब्दों में निंदा करता है। उधर कांगड़ा के गरली में भी पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाहन नगरोटा गांव में महामंत्री रमण शर्मा के नेतृत्व में पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिला महामंत्री ने राष्ट्रपति से पंजाब सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग उठाई। मंडी के धर्मपुर में गुरुवार को पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से दहशत फैल गई। गुब्बारे पर उर्दू और अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ भी था। आइए जानते हैं क्या है मामला। धर्मपुर की भरौरी पंचायत के गांव जागना में गुरुवार को एक घर के पास पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। जब इस गुब्बारे पर लिखे शब्दों को स्थानीय लोगों ने 133 केवी में काम कर रहे कश्मीरी मजदूरों से जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि ये उर्दू और अरबी में लिखा है जिसे हम पढ़ नहीं सकते। बाद में लोगों ने इसकी सूचना पंचायत प्रधान और पुलिस को दी। धर्मपुर पुलिस ने कहा उर्दू में लिखा गुब्बारा कब्जे में ले लिया गया है और इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, पुलिस अपने हिसाब से इसकी जांच करेगी कि गुब्बारा कहां से आया है। डीएसपी सरकाघाट तिलक राज शांडिल ने खबर की पुष्टि की है। उप प्रधान ग्राम पंचायत बरौरी कश्मीर सिंह गाँव जागड़ा में दौलत राम के घर के आस पास गुब्बारा मिला जिसमे उर्दू में लिखा हुआ। दौलत राम ने बताया कि इसी तरह का कोई एक गुब्बारा उनको मिला है और मुझे जो है वो दौलत राम के द्वारा जो है सूचना दी गई और मैंने पुलिस स्टेशन थाना धर्मपुर को सूचित किया कि हमारे वहाँ जागना गांव में एक इस तरह का एक गुब्बारा मिला है। तो पुलिस वालों ने तुरंत जो है उसमें कार्रवाई करके गुब्बारा जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। हिमाचल में चरस तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामले के तहत चंबा में पिकअप चालक से 600 ग्राम चरस पकड़ी गई है। पेश है रिपोर्ट। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर पुलिस की एसआईयू सेल की टीम ने पिकअप चालक से 600 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान राजकुमार निवासी गाँव ककरोथा के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर हवालात में बंद कर दिया है, साथ ही चरस तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी कब्जे में ले लिया है। एएसपी चंबा विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सांसद
खेल महाकुंभ में खेला हो गया है। देहरा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की फोटो वाली टी शर्ट को खिलाड़ियों ने आग लगा दी। विस्तार से देखिए ये खबर। सांसद खेल महाकुंभ पर खिलाड़ियों ने बड़े आरोप जड़े हैं। मामला ढलियारा का है। यहां सांसद खेल महाकुंभ पर खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि फुटबॉल के सेमीफाइनल में हारी हुई टीमों को फाइनल में खिलाया गया है। खिलाड़ियों ने ये भी कहा कि टीम के असली खिलाड़ी तो घर पर थे और मैच में फर्जी खिलाड़ियों को ही खिला दिया गया। गुस्साए खिलाड़ियों ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की फोटो वाली टी शर्ट को भी आग लगा दी और कार्रवाई की मांग उठाई। ढलियारा फुटबॉल टीम के कैप्टन ईशांत शर्मा ने कहा वे खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन देहरा भाजपा के लोग जो कि सांसद खेल महाकुंभ के संयोजक हैं, वे अपने लोगों को आगे खिलाना चाहते हैं। उधर खेल महाकुंभ देहरा के संयोजक जगदीप ढडवाल ने कहा कि सभी खेल नियमों के अनुसार हो रहे हैं, किसी को कोई असुविधा है तो कमेटी से बात करें। देहरा की एक कमेटी बनी है जिनको लीड कर रहे हैं अपने ढडवाल जी, और ढडवाल जी ने हमें कल, हम उनसे बात कर रहे थे, ढडवाल जी ने ये बात बोली थी कि मैं कमेटी का मैच करवा रहा हूँ और मैं अपनी मर्जी से टूर्नामेंट करवाऊंगा, इसके रूल मेरे होंगे। सर कमेटी से ये मैच होता है तो यहाँ पे जो लास्ट मैच हुआ ढलियारा कॉलेज वर्सेस रॉयल क्लब ढलियारा में, बीच मैच में खुद ढडवाल जी ने ये अनाउंसमेंट की थी कि ये सेमीफाइनल मैच है और सेमीफाइनल मैच के बाद मेरे ख्याल से तो फाइनल ही होता है, दोबारा सेमीफाइनल कभी नहीं होता। तो आपने नहीं, हमने तो मीडिया के द्वारा उन्हें बोला है, हम चाहते हैं कि हम मीडिया की जगह से ही आगे बात पहुंचे को पता चले कि यहाँ पे किस तरह का ही हेराफेरी हो रही है। आज इतना उस ड्रेस का क्या करना जिस चीज का मान ही नहीं रखा जा रहा है। जब स्पोर्ट्स का ही मान नहीं है तो उस ड्रेस का भी मान रखने का कोई मतलब नहीं बनता। एचपीयू ने नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला कबड्डी टूर्नामेंट चौथी बार अपने नाम कर लिया है। टीम ने फाइनल मुकाबले में कुरुक्षेत्र को 3 अंकों से पटकनी दी है। नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। गुरुवार को हुए फाइनल मुकाबले में एचपीयू ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को 3 अंकों से पराजित कर चौथी बार चैंपियनशिप अपने नाम कर गोल्ड मेडल हासिल किया। प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रोहतक यूनिवर्सिटी ने कब्जा किया है। समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने विजेता, उपविजेता और रनर अप टीम को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है, जिसके लिए खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भी खेलों को बढ़ावा दे रही है और हिमाचल में खेल पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है ताकि हिमाचल से भी अच्छे खिलाड़ी उभर कर सामने आ सके। क्योंकि हम कंटिन्यू तीन बार पहले भी जीत चुके हैं, चौथी बार हम भी जीत रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील कर रही है पूरी टीम और हमारे कोच साहब भी। हिमाचल प्रदेश जो विश्वविद्यालय है वो इस बार चौथी बार फिर से उत्तर भारत का चैंपियन बना है और इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की महिला टीम जो हमारी है उसको बहुत बधाई देता हूँ। और हिमाचल प्रदेश से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस क्षेत्र में हमारे निकले हैं, और लेकिन जो बाकी जो दूसरे राज्यों से और दूसरे विश्वविद्यालय आए थे उन सब का अभिनंदन करता हूँ कि वहाँ की जितनी खिलाड़ी बच्ची आई थी उन सब ने भी अपनी प्रतिभा को बहुत अच्छे प्रकार से यहाँ पर निभाया है और यहाँ पर बहुत बढ़िया आयोजन रहा है और मंडी के महाविद्यालय ने इसकी सारी व्यवस्था बहुत अच्छे प्रकार से की है। चलते चलते में नजर इन बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस नेताओं के बीच चले शब्द बाण। विक्रमादित्य सिंह की टिप्पणी पर नीरज भारती ने किया फेसबुक रिप्लाई। रोहड़ू के क्रिकेटर रेणुका ठाकुर का वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में चयन, प्रदेश भर से मिली बधाइयां। बिहार के शख्स ने पराला फल मंडी के कारोबारी को लगाया 30 लाख का चूना, सेब खरीद के बाद नहीं किया भुगतान। लोक सेवा आयोग ने जारी किया लेक्चरर और मैकेनिकल इंजीनियर की कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम, जल शक्ति विभाग को मिले प्रोग्रामर। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, रात 9 बजे देखना ना भूले शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।